नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हम सिवान जिला डॉक्टर राजेंद्र बाबू के जन्म हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक निवास जिला देश पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। जन सुराज जो कि प्रशांत किशोर जी का एक यात्रा या एक मीटिंग हो रहा है, जन सुराज जो कई महीनों से चल रहा है, इस संदर्भ में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। जन सुराज का यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कि यहाँ पे तमाम तरह के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारी टीम और मीडिया टीम यहाँ पहुँची है, जैसे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में यहाँ तमाम तरह के लोग यहाँ पहुँचे हैं। क्या कुछ जन सुराज के बारे में क्या कुछ कहिए, जन सुराज क्या है इसके बारे में? चलिए देख सकते हैं इस जन सुराज अभियान जो समिति नीरा जी के हैं अभिभावक मूल्य है और चलिए नीरा के क्षेत्र में जो भी सामाजिक और रचनात्मक जो भी कार्य होते हैं उनसे लेकर सारे कार्यों में उनकी काफी जन सुराज के बारे में क्या आपको पता है, क्या करना चाहिए? और जन सुराज सबके मार्गदर्शक हैं डॉक्टर जमील साहब। शिक्षित लोगों को अच्छे विचार को रखा गया है और इसमें अच्छे विचार के साथ एक बिहार का नया निर्माण करने की बात रखी जा रही है। अच्छा, बिहार को नया निर्माण करने की बात रखी जा रही है। चलिए बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं कई ऐसे लोगों का विचार तमाम तरह की चीजें जमापुर के पूर्व मुखिया और सामाजिक बात करते हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल पे। क्या कुछ कहेंगे सर, जन सुराज क्या है, कैसे आप लोग इसके बारे में जानते हैं, कार्यक्रम हो रहा है? अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं आ भी चुके हैं और राजेंद्र बाबू का धरती है, मतलब क्या हुआ, मैं आपको इसके बारे में क्या जानते हैं? देखा था आप आए हुए हैं, कल भी आप मीटिंग में थे। आपसे निवेदन है कि अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हो तो आने की कृपा करें। तो इसके पहले जन सुराज का नाम सुने थे क्या इसके पहले? हम सबों के बीच आप क्या कहेंगे सर, जन सुराज के बारे में क्या कहेंगे, क्या आपको इस जन सुराज अभियान को यही जानता है? मैंने आज जानकारी मिली है आत्मसात करने वाले यहाँ जो प्रशांत किशोर जी ने जो अभियान का शुरुआत किया है, लोगों को इसका तो शुरुआत ही है आज, तो इसके विषय में जानकारी तो आज ही मिलेगी सबको। कई महीनों से जन सुराज का कार्यक्रम कर रहे हैं, कई जिलों में कर चुके हैं जी, कई जिलों में कर चुके हैं, लेकिन उनका अभी तक सुना। चलिए तो देख सकते हैं कि और लोग यहाँ कुछ करना चाहते हैं, क्या कुछ कहेंगे? जन सुराज क्या है इसके बारे में पता है आपको? जी सर, क्या कहेंगे जन सुराज के बारे में, आपको कैसे पता चला या क्या है इसके बारे में बताइए जी। जी, प्रशांत किशोर जी का नाम एक मीडिया में चर्चित नाम जी, और इनकी जो कार्य प्रशांत किशोर जी की आप क्या मानते हैं, वो क्या है प्रशांत किशोर जी, लीडर हैं हम लोगों के या एक हम लोगों के समिति के? हम लोग यही जानते हैं कि रणनीतिकार हैं। इसके बाद जब से ये जन सुराज का मुहिम स्टार्ट हुई मीडिया श्रीवास्तव जी हैं जो समाज सेवी हैं, इनकी बातों से ये लग रहा है जन सुराज बालिकाओं को आगे बढ़ाने में विचारधारा के बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में क्या करते हैं आप? और एमपी का चुनाव प्रथा का जो उन्मूलन है उससे लेकर तमाम महिलाओं के बाल अधिकार से लेकर सारे कार्यों में उनकी बहुत बड़ी योगदान रहती है। मैं निवेदन करूंगा नीतू श्रीवास्तव जी से, अनिल कुमार नीतू श्रीवास्तव मंच पर आए, नीतू श्रीवास्तव जी का मकान है, बनाया हुआ मकान है जी, हम बनाए हुए मकान। चलिए तो इस बार भी चुनाव लड़ेंगे क्या, जो 24 में अब एक बार लड़े हैं तो दोबारा भी लड़ेंगे? चलिए बहुत शुक्रिया सर, आपसे मिलकर मिलकर आपसे हम बात करते हैं, बोलना चाहते हैं क्या नाम पड़ेगा आपका? विश्वास अमित। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं गोपालगंज। गोपालगंज से क्या करते हैं आप? अभी तो हम लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं। सोशल एक्टिविटी है तो उसमें क्या एक्टिविटी क्या करते हैं उसमें? समाज के जैसे समाज के चीजों को दिखाते हैं लोगों के सामने जो समाज में। क्या कहेंगे जन सुराज का मतलब क्या हुआ इसके बारे में कैसे जाने आप? जन सुराज का मतलब हुआ कि ये जो मूवमेंट चल रहा है मतलब अभी फिलहाल में तो ये सही हम लोगों के जो प्रयास मतलब सही लोग कौन है? देखिए सही लोग हैं,
देखिए मैं तो अब राजेंद्र पार्क पर आएंगे, मैं निवेदन करूंगा कि जो धन्यवाद सर, थैंक यू। चलिए और यहाँ पर तमाम तरह के लोग और भी आए हैं, जन सुराज बंधु जो खड़े हैं उनसे निवेदन है कि अगर आप लोग आकर बैठ गए तो बहुत अच्छा होता। छपरा डिस्ट्रिक्ट से आए, छपरा जिला से आए सर। अच्छा, तो जन सुराज के बारे में कब से जान रहे हैं? मई में, 5 मई को जब इन्होंने घोषणा की है राजेंद्र पार्क से, 5 मई 2022 से जब घोषणा किया है, चार दिवसीय कार्यक्रम भी किया, उस कार्यक्रम में भी क्या एक दिवसीय एक दिन मंच पर आएंगे। चलिए, तो जन सुराज का मतलब क्या हुआ, आप काफी दिनों से जुड़े हुए, तो जन सुराज का मतलब है सबका उत्थान, सबका डेवलपमेंट हो, सबका डेवलपमेंट हो, सब वर्ग का डेवलपमेंट हो, सब शिक्षा हो, रोजगार हो, सब कुछ हो। तो जो प्रशांत किशोर जी रणनीति बना रहे हैं, आने वाले वक्त में क्या सीएम बनेंगे क्या? सीएम की तो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो पद यात्रा भी शुरू करने वाले हैं, 2 अक्टूबर से पद यात्रा करेंगे, पूरे बिहार में घूमेंगे, पूरे बिहार में घूमेंगे। चलिए, आपने परिचय बताइए। सुजीत प्रियदर्शी, क्या करते हैं आप? हम जर्नलिज्म किए हुए हैं, अभी बिजनेस कर रहे हैं। जन सुराज अभियान के एक्टिविस्ट हैं, परिकल्पना को साकार करने वाले, समाज के लिए कर राजनीति मार में जुड़े हुए हैं। चलिए, यहां पे मैं निवेदन करूंगा कमाख्या बाबा से कि आप मंच पर आए। कमाख्या बाबा, तमाम तरह के लोग, कई जिले के, दूसरे जिले के लोग यहाँ पे आ चुके हैं और तमाम तरह के लोग यहाँ पहुँच कर उस चीज में भागीदारी कर रहे हैं और यहाँ पे कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। अभी प्रशांत किशोर जी नहीं आए हैं, लेकिन उनके इंतजार में काफ़ी लोग यहाँ पे एकत्रित हो चुके हैं, उनकी बातों को, उनके वाक्यों को, उनके विचारों को सुनने के लिए यहाँ पे तमाम तरह के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि जन सुराज का जो सोच है, जो प्रयास है, धीरे धीरे धरती पे स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे वो कार्यक्रम होगा, यहाँ पे तमाम तरह के लोग पहुँचे हुए हैं। आइए बात करते हैं, क्या मतलब है, क्या पड़ेगा सर, कहाँ से आए हैं आप? जन सुराज क्या है, इसके बारे में कैसे जाने आप? सही सोच लोग, हाँ सही सोच, सही लोग जी जी। क्या कुछ चाहिए सर, जन सुराज क्या मतलब क्या हुआ, आप अपने पर्ची बताइए सर। अभी आज के समय में जी, समय बहुत तेज हो रहा है जी जी, परिवर्तन हर जगह हो रहा है जी। तो परिवर्तन केवल सिर्फ मैंने सामाजिक क्षेत्र में भी हो रहा है, निजी क्षेत्र में भी हो रहा है। तो अभी आज के डेट में एक संकल्पना लेकर प्रशांत किशोर जी आए हैं जन सुराज की, जिसका जो बेसिक जो आधार है वो है कि सही लोग हो, सही सोच हो और सामूहिक प्रयास हो, और इसके माध्यम समाज में एक सकारात्मक प्रयास किया जाए। सर, आपने पर्ची बताई, आपको ऐसा लगता है कि आप हम देखे हुए कहीं और इस मीडिया लाइन से जुड़े हैं क्या आप? थोड़ा सा हट के बात करेंगे सर आपसे, मान लीजिए कि सही सोच और सही लोग, सामूहिक प्रयास, आप इस फील्ड में हैं, जर्नलिज्म में हैं, तो बीते कुछ दिनों में जो अभी राजनीति चल रहा है, जिसे आरजेडी का या जेडीयू का या और अदर पार्टी का जो सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रही है, तो क्या वो सरकार सही नहीं है क्या? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर सब किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, और कहीं भी हो सकता है कि हर चीज़ बिल्कुल सही वैसा नहीं हो सकता, कहीं ना कुछ सहमति हुई, कुछ सहमति होगी, इस तरह की जो गतिविधियाँ चलती हैं वो लोकतंत्र की खूबसूरती को बढ़ाती हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है। अपना पर्ची बताइए सर। गणेश दत्त पाठक जी, धन्यवाद। तो ये रहा आगे क्या कहेंगे सर, जन सुराज का मतलब क्या हुआ है, जन सुराज जैसे लिखा हुआ है सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, तो क्या लगता है कि अब तक सही लोग और सही सोच लेकर नहीं आए थे क्या, सामूहिक प्रयास नहीं होते क्या अब तक? सही लोग आए थे, सामूहिक प्रयास भी हुआ था, हाँ, लेकिन सफल नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए, इसीलिए बिहार की जनता कैसा सफल चाहते हैं, बिहार को या सिवान को कैसा देखना चाहते हैं? बिहार के पिछले 3 दशक में एक बदहाली, इतनी बुरी स्थिति बन गई है जिसको बदलने के लिए हम लोग जन सुराज के बैनर से सही लोग, सही सोच के साथ, सामूहिक प्रयास के साथ बदलने का काम करें। क्या करते हैं सर आप? कटिहार में सफल सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक करते हैं। तो आने वाले वक्त में आप राजनीतिक माहौल में आप जुड़ने के लिए प्रयास करेंगे? अगर प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ते हैं, मतलब अगर कोई पार्टी बनाते हैं, अभी तो उन्होंने कहा कि नहीं पार्टी नहीं बनाएंगे, मतलब एक विचार चल रहा है, हो सकता है कि पार्टी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, लेकिन वो पद यात्रा 2 अक्टूबर से करने वाले हैं, लेकिन यहाँ तक कि हमारी टीम या जो भी लोग सोच रहे हैं कि भाई हो, आने वाला वक्त बता सकता है कि वो पार्टी बनाकर कुछ अलग मूवमेंट बना सकते हैं बिहार के लिए,
तो क्या कहेंगे? पिछले दो दशक से पूर्व मैं राजनीति में काफ़ी सक्रिय था। पिछले दो दशक से बिहार की स्थिति को देखते हुए राजनीति में अलग हट गए। उन्हें 5 मई 2022 को पटना में प्रशांत किशोर जी के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जी जी को सुनने के बाद पुनः सक्रिय हुआ हूँ। लेकिन दुर्भाग्य से है कि हमारे देश में जब हम जाते हैं अब कहीं जैसे एजुकेशन सिस्टम में चाहे नए युवा से पूछते हैं कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन है तो बिहार को छोड़कर अदर स्टेट को लोग नहीं बता पाते हैं। ये भी एक थोड़ा सा गलत सोच जाता है। चलिए उसकी बात है। अभी आप जन सुराज की मीटिंग में आ रहे हैं, कार्यक्रम में आ रहे हैं। जन सुराज का सही सोच है, सही लोग है, सामूहिक प्रयास है, ये उद्देश्य है। लेकिन अब तक जो प्रयास रहा कैसा रहा, आने वाला वक्त कैसा रहेगा? अब तक जहाँ तक प्रयास हुआ है वो सकारात्मक है, लेकिन आने वाले समय में अगर सही लोग और सामूहिक प्रयास करें, सही सोच से करें तो काफ़ी कुछ बदलाव हो सकता है। और आज के डेट में बदलाव की आवश्यकता भी है। जाति धर्म संप्रदाय के बाहुल्यता वाले प्रदेश बिहार में जन सुराज कहाँ तक सफल होगा? उसके लिए संघर्ष करना होगा और काफ़ी मेहनत करना होगा। यहाँ का जैसा कि आपने बताया जाति समाज और के बारे में तो उस ढंग का हो चुका है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए प्रयास करना होगा और उससे ऊपर उठ के इस्लाम की प्रसिद्ध कार्यक्रम में पहुंची है। मैडम सबसे पहले आप हमारे चैनल के माध्यम से आपका परिचय बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शबीना जावेद, स्त्री एंड प्रसूति। नहीं बिल्कुल नहीं। एक इतना ज़्यादा समाज में इतना हौचपच हो चुका है, एक अच्छी सोच का आना और अच्छे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है, और पढ़े लिखे लोगों का आना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सारे जो पढ़ लिख करके इधर उधर बच्चे हो रहे हैं लोग, इससे बेटर है कि ये लोग एक हों और अपने विचार को, अपनी एजुकेशन को यूज़ करें और एक सही चीज़ें जनरेट करें समाज में, जिससे हमारा समाज आगे जाए। कार्यक्रम है काफ़ी जोर चल रही है और कहा जा रहा है कि जन सुराज एक बड़ा मूवमेंट आएगा बिहार में, तो जन सुराज से जुड़ने का मतलब क्या रहा आपका, कि क्यों आपने इस चीज़ को फॉलो किया, लाइक किया? जन सुराज की सबसे अच्छी बात है कि इसमें सही सोच, सही लोग और सबका विकास और सबका साथ। सबका साथ इन द सेंस ये है, कम से कम से पढ़े लिखे लोग तो आएंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे तो जाहिर सी चीज़ें हर चीज़ बहुत अच्छी होगी, ब्राइट होगी और आगे हम लोग हमेशा अच्छा और पॉजिटिव ही सोचेंगे। तो अब तक सही लोग सही सोच लेकर नहीं आए थे क्या? नहीं, बिल्कुल सब कुछ सारे प्रयास बहुत अच्छे थे। लेकिन हो सकता है कुछ चेंजेस हो, जाहिर सी बात है जब पढ़े लिखे लोग आएंगे तो चेंजेस तो होगा ही होगा। प्रशांत जी से आपको उम्मीद है? बिल्कुल बहुत उम्मीद है कि एक अच्छे लोगों को सामने लेकर के आएंगे और एक अच्छे लोग आएंगे जिससे एक अच्छा सोच डेवलप होगा और समाज आगे की तरफ जाएगा। जनप्रतिनिधि क्या कुछ कहिएगा, जन सुराज का मतलब क्या है? जन सुराज में आप आई हैं जी, क्या सोच कर आई हैं आप? आज हम लोग आए हैं राजेंद्र बाबू के जन्म धरती भूमि पर। आज प्रशांत किशोर जी के मीटिंग में हम लोग आए हैं, उनके साथ हम लोग रहते हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे। आए वैशाली से चलकर हम दोबारा मतलब आए हैं। हमारे नाम बेबी देवी, जिला परिषद, क्षेत्र संख्या 1, नौतन प्रखंड से।